बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू किए जाने के संबंध में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि समाजवादी पार्टी के लोग आज 7/8/2021 को मंडल दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस मौके के दिवस पर आपका ध्यान निम्न बिंदुओं पर लाना ही हमारी प्राथमिकता है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि बीजेपी सरकार द्वारा संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक और महिलाओं के साथ बर्बरता पूर्वक अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर है। सरकार की गलत नीतियों के चलते पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक के अधिकार खतरे में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने मंडल कमीशन की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण लागू किया था। उस 27% आरक्षण में भी वर्तमान सरकार पिछड़ों की अनदेखी कर रही है। ज्ञापन के माध्यम से मुख्य बातें बताते हुए जिला अध्यक्ष शाकिर सलमानी ने कहा कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाए, जाति जनगणना कराई जाए, आबादी के अनुपात में सभी को हिस्सेदारी दी जाए, आरक्षित वर्गों की बैकलॉग भर्ती शुरू करके नौकरियां एवं सुविधाएं दी जाएं आदि इन जैसी कई मांगों के साथ ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में दिनेश कुमार, ऋषिपाल सिंह प्रजापति, नौशाद हुसैन अलवी, नौशाद अली, धर्म सिंह, हेम सिंह, राम कुमार, पिंटू सिंह, दिनेश कुमार, दिलशाद सैफी, शमीम अहमद सैफी, सुभाष कश्यप, रविपाल सिंह, सचिन कुमार आदि लोग मौजूद थे। मैं समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मुरादाबाद के नाते से माननीय डॉक्टर राजपाल प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर एक हम ज्ञापन DM साहब को देने आए हैं। जो पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को अत्याचार कर रही है। सब कोठे, पिछड़ा वर्ग के जो कोठे आते हैं नौकरियों के, वो सब खत्म कर रही है। पिछड़े आज रोड पे बेरोजगारी पे आ गए हैं, ऊपर बेरोजगारी पे पिछड़े आ गए हैं। और पिछड़ों की वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को गुमराह कर और पिछड़ों के वायदे कर और पिछड़ों से ही सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी को। आपके 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ पिछड़े वोट सारे वोट हैं और पूरी तरह से पिछड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़े हैं। और 2022 में हम सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की बनाएंगे। और ज्ञापन हम जिलाधिकारी जी को दे के अवगत कराते हैं, जो पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी से आ रहे हैं, इसको न्याय दिलाने का काम है। उप मांगे हमारी ये हैं, जो पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। और जो भी समस्या पिछड़ों की है, पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए।